तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था मन में होनी चाहिए, आस्था दिल में होनी चाहिए, ऐसा कहना है लांबा गांव के ढाणी के लोगों का। उनके लिए कर्म धर्म से बड़ा कर्म है, कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ये काफी लगभग 100 साल पहले तक का कम से कम इतिहास है गांव में। उस टाइम से गवर्नमेंट सर्वेंट है गांव के लोग, और कोई भी अंधविश्वास के प्रति बरसों से ही नहीं, आज नहीं कभी से ही नहीं है। गांव में अभी तक कोई मंदिर नहीं बनाया है, पास में अमरपुरा धाम है, वहां कोई नहीं जाता उस गांव में। अंधविश्वास के प्रति पूरा गाँव खिलाफत में है उसमें। कर्म ही पूजा है। कोई गाँव में इक्का दुक्का ऐसा आदमी है जो कुछ छोटी मोटी पूजा पाठ अपने कोई बार त्योहार जैसे होली दीपावली उन पे कर लेते हैं। कर्म ही भरोसा है। बाकी ऐसा कोई गांव में अंधविश्वास नहीं है, कोई मंदिर नहीं जाना है, कहीं गांव में जागरण नहीं होता, कुछ भी नहीं ऐसी चीजें। और कर्म ही आस्था है। पूरा शिक्षित है शुरू से ही, मतलब उस चीज के प्रति कोई जुड़ाव ज्यादा है नहीं लोगों का, सिर्फ अपना मेहनत करना है, उसके आधार पे सब नौकरियां लगे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं। कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कर्म कर धर्म की इच्छा मत कर। जी हाँ, चुरू का ये गाँव इस कहावत की बखूबी तस्दीक करता है। तभी तो इस गाँव का कोई भी आस्था में भरोसा नहीं रखता है। गांव के लोग बोलते हैं कि हम मेहनत करते हैं और उसी का फल हमें मिल जाता है। मंदिर साहब आपकी मेहनत करें, राम को नाम है वो सब आपके मन में रखें, और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मंदिरों की आपके मन की है सारी। तो सुना आपने, राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 किलोमीटर दूर चुरू का लांबा की ढाड़ी गाँव, और यहाँ के लोग उन लोगों के मुँह पर तमाचा है जो अंधविश्वास के भरोसे शिक्षा का गला घोट देते हैं। देख लीजिए इस गांव की हर गली को, इसमें ना तो कच्चे मकान हैं, ना ही टूटी फूटी सड़कें हैं, और देखिए भाई पक्की सड़क पर सड़पट गाड़ी दौड़ रही है। बदलते समाज और बदलते गांव की इससे बेहतर तस्वीर और क्या हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, यहाँ लांबा की ठाड़ी गाँव की 105 घरों में आबादी करीब 750 है, करीब 60 लोग पेंशनर है। यहाँ के लोग शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक के पद तक पर रह चुके हैं। कई युवा कनाडा में चिकित्सक हैं। करीब 25 से ज्यादा लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के 2 लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी हैं, 2 प्रोफेसर, 7 वकील, 35 टीचर हैं। यहाँ के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। करीबन 60-70 लोग पेंशनर हैं। अधिकारी कई तो अधिकारी रिटायर हो गए, बड़े बड़े पदों पर रिटायर भी हो गए हैं, और कुछ पोस्टों पर भी काम कर रहे हैं। किन किन पदों पर रहे हैं? रिटायर जो हुए उनमें तो शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा पद है, जॉइंट डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। बहुत बढ़िया माहौल है, बड़े बड़े अधिकारी हैं गांव में, और डॉक्टर, वकील, खेल में भी बहुत आगे तक पहुंचे हैं, शिक्षा क्षेत्र में खूब है, हर क्षेत्र में पटवारी से लेके पुलिस से लेकर सब हमारे प्रशासनिक सेवा में हो रहे, सब में कर्मचारी हैं। अब आपको ये भी बता दें कि लांबा की ठाड़ी में 70 सालों से नहीं हुआ मृत्यु भोज, अस्थियों को गंगा नदी में बहाने का नहीं रिवाज, ग्रामीणों ने कभी मंदिर नहीं बनाया, धार्मिक कर्मकांडों को फिजूल खर्ची माना जाता है। मंदिर है नहीं गांव में, इसका उद्देश्य बस यही है कि काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। यहां गांव समाज के उन ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा है जो आस्था की आड़ में विकास की राह में रोड़ा बनते हैं। ये गांव उन लोगों के लिए सबक है जो आस्था का चोला ओढ़कर कायराना हरकत करते हैं। ये गांव वाकई में समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चुरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात एक अनोखे रिकॉर्ड